बिल्कुल इस पर हमने निगाह रखी हुई है और हरियाणा में केवल गुड़गांव में केस बन रहे हैं या थोड़े फरीदाबाद, बाकी सारे हरियाणा में नहीं है। आधे से ज़्यादा जिलों में आज भी जीरो है रेट जो है कोविड। इसलिए वहाँ पर मैंने अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा को गुड़गांव और फरीदाबाद का एग्जाम्पल करने के लिए भेजा है कि वहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं उसकी, ताकि पता लगे और उसके इंतजाम किया जा सके। सर केजरीवाल जो है लगातार हरियाणा में एक डिमांड उठा रहे हैं अपनी पार्टी से कि पूर्व विधायक पेंशन छोड़ें, एक पेंशन है, जबकि दिल्ली में वो खुद उनके पूर्व विधायक जो है पेंशन ले रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल एक द्रोहबाज पार्टी है, पंजाब में क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है वहाँ पर तो इसने एमएलओ की पेंशन छोड़ने के लिए कह दिया। दिल्ली में क्यों नहीं कहता? दिल्ली में भी तो तेरे एमएलए हैं, दिल्ली में तो क्यों नहीं कहता था? बाकी प्रदेशों में भी तेरे एमएलए हैं, वहाँ पर तो क्यों नहीं कहता? ये ड्रामे बात। एक बिहार के पूर्व सीएम ने भगवान श्री राम को लेकर कितने किया है, उसने कहा भगवान श्री राम थे ये वाल्मीकि की एक रचित किताब है जिसमें भगवान राम का जिक्र। ये व्यक्ति धरती के ऊपर एक बोझ है, भगवान राम लोगों के रोम रोम में समाये हुए और सारे देश में जो मेजॉरिटी जिसमें हिंदुओं की है उनकी सब में राम में आस्था है, तो ऐसे में इस प्रकार की बात करना ये बहुत गैर जिम्मेदाराना। सर एक अभी कल जो रोहतक में पुलिस और उसके बीच में मुठभेड़ हुई है, उसमें एक अपने जवान के भी गोलियां लगी हैं, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने कह दिया पन्नू में जो है हरियाणा में झंडा फहराने की बात कही है टिकट क्वार्टर में, उसको लेके क्या कहेंगे? मैंने DGP को वो जो वायरल की जा रही है वीडियो वो भेज दी है और कार्रवाई करने के लिए कहा है। कार्रवाई उनके खिलाफ भी करी जाएगी जो इस वीडियो को फैला रहे हैं, जिसने बनाई है वो तो दोषी है ही है, लेकिन जो फैला रहे हैं वो भी इसके कसूरवार हैं।